इस चीज का जवाब इस सरकार से मांगा भी जाएगा और ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई। और 9 तारीख को अगर अभी सुनवाई नहीं इस कार्यक्रम के बाद, इस आंदोलन के, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हर मुख्यालय पर कार्यक्रम है आज त्यागी समाज की तरफ से, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो 9 तारीख से सारे टोल फ्री करा देंगे। हम जितने भी सड़कें हैं सारे टोल फ्री होंगे। नोएडा के श्रीकांत त्यागी का मामला कहीं से भी थमता नजर नहीं आ रहा है। जहां श्रीकांत त्यागी को लेकर लगातार त्यागी समाज प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं हर दिन ऐसे प्रदर्शन प्रदेश के कई हिस्सों में फैलते जा रहे हैं। सहारनपुर में भी डीएम ऑफिस के सामने ही त्यागी महासभा के बैनर तले त्यागी समाज का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि श्रीकांत त्यागी और उसके परिवार के साथ में अन्याय हो रहा है। त्यागी समाज की तरफ से ये भी बताया गया कि परिवार पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए पहले भी, यानी कि 10 अगस्त को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अधिकारी की ओर से भिजवाया गया था, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते श्रीकांत त्यागी का परिवार अभी भी तकलीफ झेलने के लिए मजबूर है। इस दौरान त्यागी समाज काफी ज्यादा उग्र नजर आया। उनका साफ कहना था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो वो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और साथ ही आने वाली 9 तारीख को सभी रास्तों को टोल फ्री भी करवा दिया जाएगा। धरने पर इसलिए बैठे हैं कि श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर लगाया गया और दूसरे उनके परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है। यदि उनका उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो यहाँ पर धरने में बैठे हुए लोग सभी उनके खिलाफ होंगे और आगे आने वाले चुनाव में भी उनको नतीजा दिया जाएगा। पूरा मामला यह है कि हम जब नोएडा हमारी 21 तारीख की पंचायत थी, महापंचायत, उसमें जो लोग शामिल हुए थे, वहाँ नोएडा जो हमारे गौतम बुद्ध नगर के DM है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 दिन के का हमें समय दो, 15 दिन में हम कहीं ना कहीं इसका रास्ता निकाल देंगे, श्रीकांत त्यागी के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे। उसके बावजूद 15 दिन कल समाप्त हो गए और उससे पहले ही उसकी जमानत याचिका खारिज कर गए और 5 मुकदमे और उस पर लगाने का काम किया। जो हमारी तरफ से, समाज की तरफ से, जो बहन बेटी हमारी अन्नू त्यागी, इगला त्यागी, उनका जो शोषण हुआ, बच्चों का उत्पीड़न जो हुआ, उनकी लाइट काट दी, पानी काट दिया, जबकि बच्चे वहाँ तड़प रहे, जब वहाँ कोई मामला नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, उसके बावजूद उनकी तरफ से जो प्रशासन ने, जो पुलिस ने अत्याचार उन लोगों के लिए किया, उन पर किया, तो भाई उसका कोई हमारी तरफ से तो ना तो कोई रिपोर्ट दर्ज हो पाई, ना कोई हमारी सुनवाई हो पाई, इसलिए भीड़ को टाला, जो धोखा उन लोगों ने हमारे साथ किया उस दिन। श्रीकांत त्यागी का मामला दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि त्यागी समाज इसे लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रहा है। एक बात तो साफ है, जब तक श्रीकांत त्यागी जेल से बाहर नहीं आ जाता, तब तक ये मामला कहीं से भी थमता नजर नहीं आ रहा। अनिल कुमार भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।